हेलो गाइस, कैसे हो? चलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे क्या होता है चंद्रशेखर लिमिट। सुभाष हम लोग इनको बोलते हैं एस चंद्रशेखर, ठीक है। मतलब एस मतलब होता है सुब्रमण्यम। तो ये एक इंडियन फिजिसिस्ट है, मतलब एक इंडियन थे साइंटिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने एक कुछ दिया लिमिट जो कि है 1.44 मास ऑफ सन। अब ये क्या है भाई, 1.44 मास ऑफ सन, ये बेसिकली ऐसा लिमिट है। ये चंद्रशेखर वो लिमिट। इसमें ये बोला गया कि अगर पहले मैं चाहते कि 1.44 मास ऑफ सन क्या, 1.44 मास ऑफ सन जो है 1.44 है वो है अपना सोलर मास। मतलब वन सन 0.44, एक सन 0.44, ठीक है। फिर मास ऑफ सन, अगर इतनी वैल्यू, अगर इतना किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास हुआ, अगर इतना अगर किसी स्टार का अगर मास हुआ और इससे कम हुआ, अगर ये हुआ या फिर इससे कम हुआ, तो वो बनेगा एक वाइट ड्रॉफ। अब वाइट ड्रॉफ क्या होता है? वाइट ड्रॉफ बेसिकली एक स्टार है जो कि हमारा जो सन है ना, वो भी एक वाइट ड्रॉफ ही वो बनेगा 10 बिलियन ईयर्स के बाद। 10 बिलियन ईयर्स हमारा सन अभी और मतलब वो जिएगा, ठीक है। 10 बिलियन ईयर्स में हमारा जो सन है वो भी एक वाइट ड्रॉफ बन जाएगा। वाइट ड्रॉफ मतलब एक डेंस स्टार होते हैं हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर वाइट ड्रॉफ के बाद बनेगा वो एक ब्लैक होल। अगर ये हुआ, इतना मास हो या फिर इससे कम हुआ, तो वो ही वाइट ड्रॉफ बनेगा। वाइट ड्रॉफ से वो एक ब्लैक ड्रॉफ बनेगा। ब्लैक होल नहीं, ब्लैक ड्रॉफ, ब्लैक ड्रॉफ। फिर ब्लैक ड्रॉफ से वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। होल स्पेस का शैतान, ठीक है। अगर 1.44 मास ऑफ सन से अगर ज्यादा हुआ, अगर इससे हुआ ज्यादा, ठीक है, अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो सुपरनोवा करेगा। अब सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा इज अ वेरी डेंजरस एक्सप्लोजन इन द यूनिवर्स। सबसे डेंजरस एक्सप्लोजन होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है वो सुपरनोवा। तो सुपरनोवा में क्या होता है, जब उसके सारे हाइड्रोजन होते हैं वो जब खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो सुपरनोवा वो करता है कोई भी स्टार। सुपरनोवा में क्या होता है, गामा रेस निकलती है। अभी गामा रेस क्या होता है? गामा रेस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो रेस है, ये गामा रेस। मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बट इसका जो होता है लैम्डा, मतलब कि जो उसका होता है वेवलेंथ, वो कम होती है, कम होती है वेवलेंथ। गामा रेस की वेव होती है वेवलेंथ, वो कम होती है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए, अगर वेवलेंथ हुई ज्यादा तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। वो सुपरनोवा करेगा, सुपरनोवा जो कि एक बहुत बड़ा है, और जो उसका कोर का जो वो बचेगा ना मास, जो उसका कोर का मास, वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अबे न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल से जो पहले, जो ब्लैक होल हम लोग जानते हैं कि ब्लैक होल बहुत ज्यादा होता है डेंस, तो ब्लैक होल से जो पहले, ब्लैक होल से एक स्टेप पहले जो डेंस ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड डेंस ऑब्जेक्ट ऑन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स इज न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार के बाद वो एक ब्लैक होल बन जाएगा, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार के बाद वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल क्या होता है, जो हम लोग जानते हैं, अभी हम उसको कुछ डिटेल में जानेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स नॉर्मल जो उसका ये होता है, ब्लैक होल जो उसका मेन होता है ब्लैक, उसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन चंद्रशेखर लिमिट, बेसिकली चंद्रशेखर लिमिट इस चीज को, इस लिमिट को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया और उनको नोबेल प्राइज मिला 1983 में। नोबेल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया और जो भी उनको ये इस चीज को प्रूफ करने में 30 ईयर्स लग गया, 30 ईयर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो थे साइंटिस्ट जो इसको अगेंस्ट बोल रहे थे, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता, तो मतलब ऐसा उसके चंद्रशेखर के वो थे, मतलब वो अगेंस्ट थे। तो 30 साल में उन्होंने अपनी जो है वो लिमिट वो पेश किया।
फिर 1983 में उनको नोबेल प्राइज मिला, जो कि एक बहुत बड़ी बात है एक फिजिक्स में, नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। बहुत लोगों को ये है कंफ्यूजन कि आइंस्टीन को जनरल थ्योरी ऑफ मतलब द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से मिला नोबेल प्राइज, बट ऐसा नहीं है। उनको फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के बाद अफेक्ट के लिए उनको मिला, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट की वजह से उनको मिला नोबेल प्राइज आइंस्टीन को। उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से नहीं मिला था, उनको फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट से मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम देखे तो ये था कुछ चंद्रशेखर लिमिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से।